2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने ऐलान किया था कि जरायम की दुनिया में कूदे अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी के बाहर चले जाएं। उनके इस वादे को लेकर सीतापुर की सरकारी मशीनरी हकीकत में बदलने में जुटी हुई है। पुलिस की संस्तुति पर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला ने न्यायालय में विचाराधीन गुंडा एक्ट के मामले में सुनवाई कर समूचे जिले के 19 अपराधियों को जिला बदर करने की कार्रवाई की है। ये गुंडे लहरपुर, तंबौर, थानगांव, सदरपुर, इमलिया सुल्तानपुर, सदना, कोतवाली, मछरेटा, कमलापुर, सकरन, रामकोट के रहने वाले हैं। एडीएम न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला द्वारा जारी सूची के मुताबिक लहरपुर के रिछौना के रामू, टेकनपुर मजरा, सुल्तानपुर के बहादुर यादव को जिला बदर किया गया है। तंबौर के बेलहा, दरियाना के प्रदीप कुमार, औरंगाबाद के रंजीत को जिला बदर किया गया है। थानगांव के नसीरपुर, देवरिया के विक्रम, सदरपुर के बजेरा के सर्वे, सदना के सियारपुर के विश्राम, कन्हई, करपुर के बबलू, शहर कोतवाली इलाके के नेपालापुर के जलील गद्दी, शंकरपुर के कल्लू यादव को जिला बदर किया गया। मछरेटा, बीरमपुर के सोनू, बहादुरपुर के बच्चूलाल, श्यामनाथ मंदिर के शुभम उर्फ सालू त्रिपाठी, रामकोट के सिरौरा के मुकेश मिश्रा को जिला बदर किया गया है। इसके अलावा कमलापुर के शाहजलालपुर के अनिल, सकरन के बकैया के जहरुद्दीन व इमलिया सुल्तानपुर के सिमरहन के रहने वाले ठाकुर प्रसाद उर्फ सुरेश को जिला बदर करने की कार्रवाई की गई है।